आजमगढ़ में अंबेडकर डिपो के परिचालक ने ड्यूटी क्लर्क पर धनुगाई और मारपीट का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देकर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। जनपद के बुढ़नपुर निवासी परवीन पांडे अंबेडकर डिपो में नियमित परिचालक के रूप में कार्यरत हैं। इनका आरोप है, हमें ऑफिस में बैठाया जाता है, कार्य न मिलने से हमारा किलोमीटर फंस जाता है जिसकी वजह से वेतन नहीं मिलता है। पीड़ित परिचालक ने आरोप लगाते हुए कहा कि किलोमीटर पूरा करने के चक्कर में दिल्ली की सेवा के लिए ड्यूटी क्लर्क से मांग की गई थी, जिसके बदले में ड्यूटी क्लर्क द्वारा मुझसे पैसे की मांग की जा रही थी। जब मैंने इसका विरोध किया तो उल्टा ड्यूटी क्लर्क द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने इस मामले में नगर कोतवाली में तहरीर देकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रवीण पांडे बुढ़नपुर के रहने वाले हैं, डॉक्टर अंबेडकर डिपो में नियमित परिचालक हैं। क्या हुआ सर? हमारे साथ यही हुआ है कि हम रेगुलर परिचालक हैं, हमें लगातार ऑफिस में बैठाया जाता है जिससे हम लोगों का किलोमीटर फंस जाता है, फिर बाद में हम लोगों का वेतन फंस जाता है, रुक जाता है। उसके बाद हमने अपने ड्यूटी कलर के द्वारा त्रिभुवन यादव सुरेंद्र यादव, तो फिर हमने उनसे बोला कि सर हमारा किलोमीटर नहीं हुआ, हमें दिल्ली की गाड़ी दे दीजिए। तो पहले मना किया गया, फिर जब सुबह आए ड्यूटी पे तो ये हमें दिल्ली की गाड़ी दिए, तो फिर हमें ऑफिस में बुला के बोले कि हमें दिल्ली के लोग हमें 500 रुपए देते हैं, दिल्ली के परिचालक लोग। तो हमने बोला कि हम ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, हम कहाँ से 500 रुपए आपको देंगे। तो फिर ये जब हमने मना कर दिया तो इनके द्वारा हमें अभद्रता की गई और माँ बहन की गाली देते हुए मारपीट हमारे साथ किए। अच्छा, ये एक तरीके से अवैध वसूली कर रहे थे जी। अच्छा। तो 500 रुपए मांग रहे थे, तो हम जब ऑफिस में ड्यूटी करते तो हम 500 रुपए कहाँ से देंगे। अच्छा। तो फिर हम जब हमारे साथ मारपीट किए तो हमने कहा नाम है इनका मशीन और कहा नाम है बैग जमा कर दिया, फिर हम ड्यूटी जाने से मना कर दिए। फिर गए सदर आजमगढ़ सदर, वहाँ से मेडिकल बनवाए और कोतवाली में ले जाके कहा नाम है तहरीर दिए। तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इन दोनों लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।